हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से चुनाव चिन्ह बदलने की मांग उठने के बाद आखिरकार जेजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया है। जेजेपी ने अब के चप्पल की जगह अब चाबी ने ले ली है और अब दुष्यंत चौटाला इस चुनाव चिन्ह को विकास की चाबी बता रहे हैं। एक रिपोर्ट। चप्पल से जब काम नहीं बना तो चाबी ही हथिया ली। जी हाँ, प्रदेश में अभी अभी उभरी जेजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह को बदल लिया है और अब चप्पल की जगह चाबी ने ले ली है। वैसे भी राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना था कि लोकसभा की दौड़ में चप्पल के टूटने से ही जेजेपी पिछड़ गई और अपने राजनीतिक सफर में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई। चाबी का चुनाव चिन्ह और हरियाणा के गरीब किसान मजदूर कमेरे की जो दिक्कत है, जो मुश्किलात है, और उसको दुरुस्त करने के लिए जो रास्ता है, रास्ते पे एक दरवाजा है, दरवाजे की चाबी जेजेपी के पास है। अब आप ये मान लो कि कमेरे वर्ग के किसान की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की और चंडीगढ़ की चाबी अब जेजेपी के हाथ लगी है। जनता का समर्थन, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लेकर, जनता का साथ लेकर, उनका प्यार लेकर हम चंडीगढ़ तक का सफर तय करेंगे और विधानसभा की चाबी से विधानसभा के दरवाजे को खोलकर इस वर्ग के हितों की लड़ाई लड़कर और उन्हें मजबूती से अमलीजामा पहना। चौधरी देवीलाल जी की खड़ाऊ भी आज हमारे पास है, सदैव थी, रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें यह अलॉट कर दिया, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अब ये चाबी सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए है या सत्ता के दरवाजे को खोलने के लिए, ये अनुमान लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बहरहाल खड़ाओं की दौड़ जनता ने पहले ही देख ली है। किस तरह से पार्टी ने जींद में अपना दबदबा तो दिखाया, लेकिन उसके बाद नगर निगम चुनाव में चप्पल थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन लोकसभा तक पहुंचते पहुंचते चप्पल ने दम ही तोड़ दिया। हालात इतने खराब हो गए थे कि झाड़ू का साथ मिलने के बावजूद चप्पल प्रदेश में एक सीट भी नहीं बचा सकी। यहाँ तक कि अपनी सीट हिसार को भी पार्टी बुरी तरह से हार गई। अब चाबी के आ जाने से पार्टी नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। महिला की सुरक्षा की चाबी है, किसान की खुशहाली की चाबी है, युवा के रोजगार की चाबी है, ये चाबी चंडीगढ़ के ताले की है, हरियाणा की सरकार की चाबी है, जो मिलकर प्रदेश को प्रगति और परिवर्तन के पथ पर ले जाने का काम करे। इलेक्शन सिंबल तो कोई हो, घर घर पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और अब हमारे पास 125 दिन का टारगेट है और मेरे ख्याल से तो बिना चाबी के आप भी ताला नहीं खोल सकते। अगर घर जाना है, दफ्तर में जाना है तो चाबी की आपको जरूरत है। और इसी तरीके से हरियाणा के खजाने को जो रोका हुआ है आज लोगों ने, जो लूटा हुआ है लोगों ने, आज उसको बचाकर आम जन के फायदे में हम लगाने आने वाले भविष्य में काम। वैसे जेजेपी का ये निशान राजनीति के कई मायने भी दिखाता है। हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी खुद के दम पर सत्ता की चाबी हासिल कर ले, या फिर हो सकता है कि सत्ता की चाबी बनने का किरदार निभाए, क्योंकि सत्ता की चाबी का किरदार निभाने वाली पार्टियों को कभी कभी वो मिल जाता है जो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी को भी नहीं मिलता। देखा जाए तो जेजेपी इनेलो की राजनीति पर ताला लगाने वाली चाबी भी बन सकती है, क्योंकि जिस तेजी से इनेलो की राजनीति का किला ढह रहा है, आने वाले समय में उसके राजनीतिक दरवाजे को ही ताला लग जाएगा। आज किसान की जो हालात है, दाम, वो एक विषय था और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले 100 दिनों का हमारा क्या एजेंडा रहेगा, किस सोच और विचारधारा के साथ हम लड़ेंगे। मैं तो एक चीज जरूर बोल कर रहता हूँ कि घोड़े का जो नाल होता है उसको अगर हम दरवाजे पर लगा लें तो उससे खुशहाली नहीं आती। खुशहाली तो जब आती है जब उसको अपने पांव में लगाकर मेहनत करें, और आज उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। अब जेजेपी चाबी के निशान को सिर्फ निशान की तरह देखती है या उसी की तरह काम भी करेगी, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर पार्टी चाबी का किरदार निभाने में कामयाब होती है तो हो सकता है उसे भी सत्ता की कुर्सी मिल जाए, पर इसके लिए जरूरी है कि वो जनता के दिल के ताले को खोलने में सफलता हासिल कर ले। रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।